अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको ओरिफ्लेम में ऑर्डर कैसे प्लेस करना है उसके बारे में गाइड करने लगी हूँ कि जब आप ओरिफ्लेम में मेंबरशिप ले लेते हो और आपके पास ऑर्डर्स कलेक्ट हो जाते हैं या आपने अपने लिए कुछ बाय करना है तो आपने वेबसाइट पर जाकर किस तरह से ओरिफ्लेम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना ऑर्डर प्लेस करना है। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाकर वहाँ पर ओरिफ्लेम की वेबसाइट लॉग इन करेंगे। ओरिफ्लेम साइट जी www.oriflame.com.pk। ओरिफ्लेम की वेबसाइट ओपन करेंगे। ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स में जाकर फिर हम लोग ये जो राइट पे टॉप पे ऑप्शन आ रहा है इसको क्लिक करेंगे प्रोफाइल का। यहाँ पर आपको जो कंपनी की तरफ से आपके पास मैसेज आया होगा जिसमें आपको आपका कंसल्टेंट नंबर एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया होगा वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी एंटर है, आपने यहाँ पे एंटर करना होगा, ऊपर कंसल्टेंट नंबर, नीचे पासवर्ड एंड देन साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन करते ही आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। ये मैं आपको जो फ़ोन पे किसी भी मोबाइल ऐप से, एंड्रॉयड मोबाइल ऐप से आपने ऑर्डर प्लेस करना है ना, ये उसका मेथड मैं बता रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो प्रोफाइल का ऑप्शन है, अगेन आपने इसको, ये जो डेज लेफ्ट इन पीरियड है ये मंथ के बारे में बता रहा है कि आपके पास इस मंथ में 18 डेज लेफ्ट है आपका टारगेट कंप्लीट करने के लिए। अब ऑर्डर प्लेस के लिए मैं जो प्रोफाइल का ऑप्शन है इसी को दोबारा क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये कुछ डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें से मैंने ऑर्डर पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद मैंने यह करना है कि मैंने ऑर्डरिंग टूल्स पे क्लिक करना है और फिर मैंने जो है ना वो क्विक ऑर्डर पे क्लिक करना है। ये अगर मैंने अपने लिए या अपने जो कस्टमर के ऑर्डर्स जो मैंने कलेक्ट किए हैं उनका ऑर्डर प्लेस करने के लिए मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, इस वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर प्लेस करूँगी ताकि डायरेक्ट ओरिफ्लेम ऑफिस से ऑर्डर मेरे घर पर आ जाए, मुझे मिल जाए। डिलीवर होना है, डिलीवर करवाना है तो घर पे आ जाए, ऑफिस जाके लेना है तो वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगी कि ऑफिस से बुक कैसे करना है। अब यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का कोड एंटर करना है। लेट सपोज मुझे चाहिए एक टोनर 30144 क्लिंजर और टोनर, अगर मुझे लेना है तो मैं उनका कोड एंटर करूँगी 30149, अगर मैं सिर्फ क्लिंजर ही लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी आगे साथ ही क्वांटिटी मेंशन करनी है और जो प्रोडक्ट आगे आ रहा है, जो भी आप कोड एंटर करोगे उसके आगे आपको प्रोडक्ट का नाम ऑटोमेटिकली शो होने लग जाएगा, प्रोडक्ट नेम शो करेगा कि ये चीज़ आपने इस चीज़ का कोड एंटर किया है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप जो एंटर कर रहे हो जो चीज़ आपको चाहिए वही शो कर रहा है। फिर उसके बाद आपने क्वांटिटी मेंशन करनी है कि ये टोनर्स आपको 3 चाहिए। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट बार ओपन हो जाएगी जैसे ही आप जो है ना क्वांटिटी मेंशन करेंगे। अब नेक्स्ट बार पे क्लिक करके आपने जो है नेक्स्ट कोड एंटर करना है, जो भी आपके ऑर्डर का नेक्स्ट कोड है, कैटलॉग से कोड देख के बिल्कुल सही कोड एंटर करेंगे। अब मुझे चाहिए लिप बाम, तो मैं 1276 लिप बाम का कोड एंटर करती हूँ। ठीक है, अब इसकी क्वांटिटी मैं कर देती हूँ 2, ये मुझे 2 इन क्वांटिटी आई नीड, तो मैंने ये एंटर कर दिया। अब मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स डालने हैं इसी तरह मैं जब जब सेकेंड डालूँगी मेरे पास थर्ड बार ओपन हो जाएगा, 4, 5, 6 जितने भी करने हैं ऐड टू बैग क्लिक करूँगी तो ये जो है मेरे बैग में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर मुझे जो है याद आता है कि मुझे कुछ और भी एंटर करना था, मुझे शैम्पू एंटर करना है या कुछ भी, तो मैं क्या करूँगी, ये जो राइट साइड पे जहाँ आपको अमाउंट शो कर रहा है PKR रुपीज़ में और नीचे पॉइंट्स अर्न्ड 37, यानी आपको 37 पॉइंट्स मिल रहे हैं इस ऑर्डर के, आपको यहाँ पे वो प्राइस, टोटल प्राइस शो कर रहा है, एक टोनर की भी प्राइस शो कर रहा है 623 रुपीज़। ठीक है, और आपको वो 3 टोनर की प्राइस भी शो कर रहा है 1869 विथ 27 पॉइंट्स। अब मैं यहाँ पर जो अमाउंट टोटल शो कर रहा है मुझे वो है 2507 रुपीज़। मैं इसके ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है ऐड मोर आइटम्स, मैं इसमें चली जाऊँगी। ठीक है, अब ऐड मोर आइटम्स में आकर मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कोड एंटर करना है, जो भी मुझे और कुछ चाहिए था वो मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगी 3543439, जो सोप चाहिए तो मैं उसका कोड एंटर कर दिया। अब मुझे ये भी क्वांटिटी में जितने चाहिए, 2 चाहिए, मैं उसकी क्वांटिटी मेंशन कर दूंगी 35438। मुझे हैंड क्रीम चाहिए, मैं उसका कोड मेंशन कर दूंगी, मुझे रेडियंट रोज़ की हैंड क्रीम का कोड आ गया, एंटर किया तो वो उसका नेम आ गया। अब हैंड क्रीम और सोप बार आ गई। अब इसकी प्राइस, सिंगल प्राइस भी मेंशन है हैंड क्रीम की 479 विद BPs जो हैं वो 7 BPs हमें इसके मिल रहे हैं जी। और हमारा अब टोटल अमाउंट जो है वो हो रही है 3460 रुपीज़। ठीक है, विथ 50 पॉइंट्स अर्नड, हर एक प्रोडक्ट के हमें पॉइंट्स मिल रहे होते हैं
पॉइंट्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनकी बेसिस पे ही हमें हमारी कोई ना कोई जो एज अ कंसल्टेंट ऑफ़र कंपनी हमें दे रही होती है वो हमें ऑफ़र मिल रही होती है। तो इस तरीके से जब हमारा 50 पॉइंट्स का ऑर्डर हो गया, हमने नेक्स्ट कर देना है क्लिक, मतलब हमें पता चल गया हमने इतने प्रोडक्ट्स लेने हैं। कंपनी यूजली मंथली बेसिस पे 100 पॉइंट्स पे सेल्स एक्शन ऑफ़र देती है आपको कि लाइक 3000 की चीज़ आपको मिल गई जस्ट इन रुपीज़ 499 में, 5000 वाली चीज़ 499 में मिल गई, कोई बैग कभी होता है, कभी परफ्यूम होता है। ये हम जो कंसल्टेंट वर्किंग कर रहे होते हैं हमारे लिए कंपनी ऑफ़र्स निकालती है। तो अभी तो हमने क्योंकि जो है सेल्स एक्शन विन नहीं किया क्योंकि हमारे 100 पॉइंट्स नहीं है, तो इसलिए हमारे पास अभी हम वो ऐड नहीं कर सकते। जब हमारे 100 पॉइंट्स कंप्लीट ऑर्डर हमारा 100 पॉइंट्स का आप देखो कि आपका बन रहे तब आप एंटर कर लो, और वो भी आपने इसी तरह अपने ऑर्डर के साथ एंटर करना है। अब ये जो है एडिड प्रोडक्ट्स, ये अब आप बिल्कुल लास्ट पेज पे आ गए हो नेक्स्ट करके। अब एडिड प्रोडक्ट्स में आपको कैटलॉग शो कर रहा है कि जुलाई टू सितंबर का एक कैटलॉग फ्री मिल रहा है आपको, एक कंसल्टेंट प्राइस लिस्ट फ्री मिल रही है, एक सेल फ्लायर जो है सेल्स एक्शन का जो फ्लायर है जिसमें वो एक्सप्लेन की होगी आपको ऑफ़र, वो फ्री मिल रही है, वेलकम प्रोग्राम ऑनगोइंग फ्लायर आपको एक फ्री मिल रहा है कि आपने जो रिक्रूटमेंट करनी है, जो आपको वेलकम प्रोग्राम मतलब जब आप न्यू मेंबरशिप करते हो तो पहला ऑर्डर 50 पॉइंट्स का प्लेस करने पर आपको एक प्रोडक्ट दिया जाता है कंपनी की तरफ से, लाइक 500 वाला प्रोडक्ट आपको जस्ट इन रुपीज़ 99 या 400 वाला प्रोडक्ट 99 रुपीज़ में मिल जाता है अगर आप अपना पहला द वेरी फर्स्ट ऑर्डर 50 पॉइंट्स का प्लेस करते हो। अब इसी तरह आपका जो लॉयलिटी प्रोग्राम है उसका फ्लायर आपको एक मिलेगा। लॉयलिटी प्रोग्राम भी कंसल्टेंट के लिए एक ऑफ़र होती है, ये सारा मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी। रिक्रूटमेंट कैंपेन जुलाई फ्लायर भी आपको एक फ्री मिल रहा है। फिर उसके बाद HBL कंसल्टेंट डिपॉजिट स्लिप्स हैं, मिज़ान बैंक की कंसल्टेंट डिपॉजिट स्लिप्स हैं, क्योंकि ओरिफ्लेम जो है वो मिज़ान बैंक HBL और फैसल बैंक को उससे डील करता है, और न्यूज़लेटर और शॉपिंग बैग सब कुछ मिलेगा यहाँ पर जो है। अब आपका फिर से टोटल अमाउंट शो कर रहा है और 50 BP शो कर रहा है। अगर आपने ऑर्डर चेंज करना है तो आप चेंज योर ऑर्डर पे क्लिक करें एंड देन अगेन ऐड मोर आइटम्स में जाके कुछ और ऐड कर लें अगर आपको लगे, या कुछ माइनस करना है तो क्रॉस करके माइनस कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपने जो एड्रेस देके लॉगिन किया था साइन इन, तो वो आपका एड्रेस वहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपने डिलीवरी मेथड सेलेक्ट करना है, अगर आप अपने घर पे मंगवाना चाह रहे हो तो आप होम डिलीवरी सेलेक्ट करोगे लास्ट यूज्ड में जाके, अगर आप ब्रांच से पिक करना चाह रहे हो तो ओरिफ्लेम ब्रांच क्लिक करोगे। अब मैंने होम डिलीवरी करवानी है अपने घर पे, जैसे ही मैं होम डिलीवरी पे क्लिक करूँगी मेरे पास यहाँ पे एड्रेसेस आ जाएंगे। अब मैंने सिंगल ऑर्डर लाहौर COD करके अपने पास लाहौर में ऑर्डर मंगवाना है, मुझे जिस भी एड्रेस पर मंगवाना है मैं वो एड्रेस, अगर मैं न्यू एड्रेस डालना है तो मैं न्यू एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू एड्रेस की डिटेल्स, सिटी, पोस्टल कोड, रिसीवर फ़ोन सब कुछ डिटेल्स एंटर करके जो है वो मुझे डिलीवरी चार्जेस 199 ये शो कर रहा है। अगर आपका ऑर्डर 70 पॉइंट्स से अबव होगा तो आपको कंपनी सिर्फ 99 रुपीज़ में आपका पूरा पार्सल डिलीवर करेगी, 70 BP या 70 BP से अबव। अब ये ऑर्डर तो मेरा है जी 50 पॉइंट्स का, इसलिए मुझे कंपनी पूरी 199 डिलीवरी चार्जेस चार्ज कर रही है। अब थर्ड मेथड है पेमेंट इन ऑर्डर का, कैश ऑन डिलीवरी पे किया, और यहाँ से जी अब मैं लास्ट स्टेप पे देखूंगी मेरी अमाउंट ठीक है, मेरी BPs ठीक है, मैंने सारी ऑफर्स डाल ली हैं, कोड्स एंटर कर ली हैं एंड देन मैं कन्फर्म एन ऑर्डर क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं कन्फर्म एन ऑर्डर क्लिक करूँगी मेरे पास लिखा आ जाएगा थैंक यू फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, मुझे मेरा ऑर्डर नंबर मिल जाएगा, मुझे उस पर मेरा कंसल्टेंट नंबर शो होगा, बस उसकी आपने स्क्रीन शॉट लेके रखनी है अपने पास ताकि आपके पास एक डाटा सेफ रहे, बेशक आप पेमेंट की भी स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई भी आपके ऑर्डर में इशू आए या कुछ भी हो तो आप अपना ऑर्डर नंबर बता के उसको चेक करवा सकते हो या कुछ भी उसके बारे में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हो कि आपने जो है COD कहीं जो है जैसे पंजाब की साइड के जितने भी लोग हैं वो लाहौर COD सिलेक्ट करके फिर अपना सिटी एंटर करेंगे, और जितने भी सिंध की साइड के लोग हैं वो कराची एंटर करके लाहौर COD कराची एंटर करके अपना जो है वो कराची के लिए सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर जैसे कोई ऐसी सिटी है जहाँ पे डायरेक्ट COD अगर, तो आप पहले आप देखें कि अगर COD जो ऑप्शन दे रहा है कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शंस जो दे रहा है मुल्तान का, हैदराबाद का, नवाबशाह का, वो तो डायरेक्टली जो सिटी में आप हो अगर आपके पास आपका ऑप्शन शो कर रहा है तो आप उस ऑप्शन को क्लिक कर दो। अगर वो ऑप्शन शो नहीं करता तो फिर आपने क्या करना है कि आपने या तो पंजाब साइड का अगर कोई ऐसा सिटी है जहाँ जो आपको COD शो नहीं कर रहा
यहाँ पे ऑप्शन इन इस टूल बार में ऑप्शन शो नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है कि लाहौर कोरियर करना है, सिंगल ऑर्डर लाहौर कोरियर सेलेक्ट करके फिर नीचे अपना एड्रेस और अपनी सिटी मेंशन करके अपना रिसीवर फ़ोन सब कुछ डिटेल्स मेंशन कर देनी है। अगर कोई पंजाब साइड की किसी सिटी ऐसी सिटी का ऑर्डर है जहाँ पर डायरेक्ट COD ओरिफ्लेम कंपनी की ऑफिस से अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर भी आप सिंगल ऑर्डर कराची कोरियर सेलेक्ट करके नीचे अपनी एड्रेस डिटेल्स रिसीवर फ़ोन पोस्टल कोड ये सारी डिटेल्स एंटर करके टोटल अमाउंट देके ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये है ऑर्डर प्लेस करने का तरीका। और अगर आप चाह रहे हो कि आप ऑफिस से पिक करना चाहते हो, तो फिर आप होम डिलीवरी और लास्ट यूज्ड में जाके ओरिफ्लेम ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, होम डिलीवरी सेलेक्ट नहीं करेंगे। ओरिफ्लेम ब्रांच सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है कि हमने लाहौर वाले ऑफिस ब्रांच से पिक करना है ऑर्डर अपना या कराची, लाहौर से कराची से करना है तो कराची वेब इमेजेड कराची क्लिक करें। हमें जब ब्रांच से पिक करते हैं हम, तो हमें कोई डिलीवरी चार्जेस चार्ज नहीं होते क्योंकि हम खुद ऑफिस जाकर वो ले रहे होते हैं, इसलिए डिलीवरी चार्जेस ज़ीरो हो जाते हैं। अब इमीडिएट पेमेंट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब यहाँ से मैं अपना जो है ऑर्डर कंफर्म कर दूँगी और पॉइंट्स और अपने अमाउंट देकर। कंफर्म करते ही मुझे मैसेज आ जाएगा कि थैंक यू फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। बस ये है जी ऑर्डर प्लेस करने का तरीका। अगर आपको लगता है कि आपने जो प्रोडक्ट्स डाली हैं आप चेंज योर ऑर्डर में जाने की बजाय आप कोई ईजी मैथड करना चाहते हो, तो आप राइट टॉप ऑप्शन देखें, बास्केट शो हो रही है, आप बास्केट को क्लिक करो ऐसे। ठीक है, बास्केट में जाते ही आप वापस अपनी प्रोडक्ट लिस्ट पे आ जाओगे जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट में प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। अब यहाँ से अगर आप किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे अगर आप टोनर की क्वांटिटी कम करनी है तो आप उसकी क्वांटिटी में जाओ और रेज करके उसको 2 लिख दो, या 1 करना है तो 1 लिख दो, ये 3 करनी है तो 3 कर लो। इस तरह जो भी आपने सेटिंग करनी है अपने मुताबिक, पॉइंट्स के मुताबिक, प्राइस के मुताबिक सेटिंग करके फिर आप नेक्स्ट पे चले जाएं। ठीक है, उसके मुताबिक अमाउंट कम ज़्यादा विद पॉइंट्स हो जाएगी और आपको डिटेल्स भी शो हो जाएंगी। जैसे आप नेक्स्ट करोगे आप लास्ट पेज पे पहुंच जाओगे और फिर वही प्रोसीजर रिपीट होगा आपका ऑर्डर प्लेस करने का। मंथ के फर्स्ट ऑर्डर के साथ हमेशा आपको कैटलॉग और उसके जितने भी आप ऑनगोइंग मंथली ऑफर्स करंट ऑफर्स जा रही होती हैं वो सब आपको एक बार फ्री मिल देती है कंपनी। कैटलॉग भी फ्री मिलता है, सब कुछ फ्री मिलता है, सारे ऑनगोइंग फ्लायर्स और सब कुछ। और अगर आप अपना पॉइंट्स का टारगेट कंप्लीट करो तो कंपनी ने जो जो ऑफर रखी होती है वो भी उस पर कंपनी आपको देती है, आप अपने ऑर्डर में ही सारी ऑफर्स पंच करते हो।